ओके, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेख है फ्रेंड्स। अभी लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि काफ़ी दिन पहले ही मैंने इसको बता दिया था कि फिबोनाची लेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो इसलिए डिले हो रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एंड मैं आपको कुछ रीजन्स भी बताता हूँ क्यों टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो जो भी वीडियो अब जो जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी फ्यूचर में, वो मिनिमम फ्रेंड्स बहुत कम वीडियो आपको मिलेंगी चैनल पर। ओके, वीक में 2 वीडियो या 1 वीडियो। ओके ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आईक्यू ऑप्शन पे यहाँ पर मैं ट्रेडिंग की स्टार्ट कर दिया हूँ, तो जिसके वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाता। ओके, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वीक में आपको 1 वीडियो 2 वीडियो जरूर मिलेगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। करेक्ट है। और अभी मैं आपको बताता हूँ आईक्यू ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लें फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पर इसके कुछ रूल्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। रेंडमली आपको कहीं पर भी ड्रॉ नहीं करना फिबोनाची लेवल, आपको फाइंड करना है मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट। ओके, सबसे पहले आप फाइंड कीजिए एक्युमुलेशन एरिया, एक्युमुलेशन स्टेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट गो डाउन ऐसे, ओके हियर एक्युमुलेट, ओके एंड हियर हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई ब्रेकआउट, हियर न्यू हायर हाई। ओके, ट्रेंड चेंज, तो आपको ट्रेंड चेंज के बारे में यहाँ पर मेरे पास 5 पार्ट है जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। यहाँ पर पार्ट 2 को आपको क्लियर समझ लेना कि कैसे ये वर्क करता है, एंड पार्ट 3 को आपको समझना है, एंड पार्ट 4 को समझना है, एंड पार्ट 5 को। ये है पार्ट 5 मेजर अप एंड माइनर माइनर डाउन। तो इसको क्लियरली आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक आप फिबोनाची लेवल का आप यूज नहीं कर सकते, परफेक्टली एक्यूरेटली आप यूज नहीं कर सकते। तो इस स्ट्रक्चर को आपको जरूर आना चाहिए। ओके, बाकी अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस एरिया जो होता है, जैसे कि ये है पूरा का पूरा बेस मार्केट का। ओके, ये एक्युमुलेशन स्टेट में आपको बता रहा था, ये फर्स्ट हायर हाई ब्रेकआउट एंड ट्रेंड चेंज यानी न्यू हायर हाई। ओके, सेम हियर फर्स्ट लोअर लो ब्रेकआउट एंड हियर न्यू लोअर लो एंड ट्रेंड चेंज। ओके, अगेन हियर लोअर हाई ब्रेकआउट एंड हायर हाई ब्रेकआउट ट्रेंड चेंज। करेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्राइस ड्राइव होती है। ड्राइव मतलब प्राइस कैसे चलती है ना, कैसे कैसे चलती है। जब आपको समझ में आ जाएगा एंड प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज 1-2 दिन में या 1-2 चार्ट देखने से नहीं समझ आएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंटिन्यूअस, तब जाके आपको अच्छे समझ में आए कि प्राइस कैसे ड्राइव होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो था एक्युमुलेशन एरिया, ब्रेकआउट एंड ट्रेंड चेंज, एंड फाइंड ब्रेकआउट मेजर हायर लो एंड लोअर हाई, जो कि अभी भी मैं आपको बता रहा था। मेजर क्या है यहाँ पर, हायर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये क्या होगा, हायर लो होगा, तो ये भी क्या होगा, मेजर हायर लो, एंड हियर लोअर लो, एंड हियर लोअर लो ब्रेकआउट, हियर न्यू लोअर लो ट्रेंड चेंज। ओके, फाइंड हियर सप्लाई जोन एंड प्लॉट फिबोनाची लेवल हियर एंड हियर डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, एंड सेम यहां पर आपको अप्लाई करना है डाउन ट्रेंड के लिए। हियर मार्केट डाउन ट्रेंड डाउन, ये एक्युमुलेशन एरिया फैन क्या है, लोअर हाई ब्रेकआउट। तो यहाँ पर देखेंगे लोअर हाई ब्रेकआउट एंड हायर हाई ट्रेंड चेंज, फिबोनाची लेवल हियर न्यू हायर हाई या हियर न्यू हायर हाई, फिबोनाची लेवल प्लॉट हियर एंड हियर। ओके, 100% हियर एंड 0% लेवल हियर एंड फाइंड हियर लेवल्स, है ना, 50% 61.8%। करेक्ट है, रेंडम आपको कहीं पर नहीं ड्रॉ करना। आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो मेजर ब्रेकआउट होना चाहिए। माइनर ब्रेकआउट होगा तो वो प्राइस रिवर्स हो जाएगी, किसी भी एनी टाइम प्राइस रिवर्स हो जाती है। करेक्ट है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद आपको ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को भी आपको फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को। ओके, अगर सप्लाई एंड डिमांड जोन वीक होगा तो भी वर्क करेगा, बट वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल इसके बारे में डिटेल में बता दिया हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में बहुत पहले मैं सारी 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 की सारी वीडियो का एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन वाली सारी की सारी वीडियो आपको वही मिलेंगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके,
सारी की सारी ऑलरेडी यहाँ पर चीजें अपलोडेड हैं, आप जाके वन बाय वन आप वॉच कीजिए, वन बी टू बी एक्स अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, मेहनत से समझिए, आपको हर एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर ड्रॉ करके बताते हैं सप्लाई एंड डिमांड जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इस वीडियो को आप देखें 25 मिनट की, तो आपको क्लियरली आपको पता चलेगा जिसपे लिखा कि 100% नॉलेज, तो क्लियरली आपको समझ में आए कि कैसे वर्क करता है, करेक्ट। एंड मैं बात कर रहा था कि अगर आपका सप्लाई जोन या डिमांड जोन वीक डिमांड जोन हो, फॉर एग्जाम्पल कि ये से कैंडल्स बनती चली जा रही है एंड हियर स्मॉल ये प्राइस ड्रॉप एंड हियर ओके, तो हियर क्या है, ये स्मॉल सप्लाई जोन एरिया है, सॉरी स्मॉल डिमांड जोन एरिया है, ओके स्मॉल डिमांड जोन एरिया। बट यहाँ पर जब स्मॉल डिमांड जोन यानी वीक डिमांड जोन एरिया होगा तो आपका जो टारगेट होगा यहाँ पर नहीं होगा, यानी स्ट्रीम ये क्या होगा, स्ट्रीम हाई, ये होगा स्ट्रीम स्विंग्स लो, इसे बोलते हैं ओके, या सिंपल आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर इसे बोला यही जाता है स्ट्रीम स्विंग्स हाई स्ट्रीम स्विंग्स लो। तो सिंपल यहाँ से यहाँ आप ड्रॉ करेंगे फिबोनाची लेवल, एंड ये अगर वीक डिमांड जोन होगा तो प्राइस जो ड्रॉप होती है, ये जो प्राइस ड्रॉप होती है ओके, यहाँ से प्राइस जो ड्रॉप होगी तो आपको नियर बाई रेजिस्टेंस लेवल पे आपको टारगेट निकालना पड़ेगा, ना कि आपका स्ट्रीम स्विंग्स हाई होती है, ये टारगेट आपका नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नियर बाई हियर रेजिस्टेंस लेवल है तो आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पर होगा, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा तब यहाँ पर प्राइस नहीं जाएगी फ्रेंड्स ओके, यहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि क्या होता है आप समझिएगा थोड़ा सा अच्छे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड यहाँ पर क्या हुआ, वीक डिमांड जोन बना ओके, ये स्ट्रीम स्विंग्स हाई हो गया एंड प्राइस क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया ओके, ये वीक लेवल है, प्राइस हियर रिटेस्ट किया एंड यहाँ से प्राइस जा रहा, करेक्ट, हियर हाई, हियर करेक्शन यानी हाई हो गया एंड लोअर हाई हो गया ओके, एंड ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया, प्राइस हियर करेक्शन के लिए हियर जा रही है एंड अगेन क्या हुआ, वीक डिमांड जोन से बायर इंटर हुआ ओके, वीक डिमांड जोन से बायर इंटर हुआ, स्ट्रॉन्ग बायर इंटर हुआ, तो ओनली प्राइस क्या होगा, पुश इस लेवल तक होगा, रेजिस्टेंस लेवल तक ओके, क्योंकि क्या है, वीक डिमांड जोन एरिया है ओके। अब समझिए किसी लेवल से कि कोई भी लेवल अगर रेंज है तो वहां पर क्या, वहां पर जितना सेलर्स उतना ही बायर है ना, जिस साइड क्वांटिटी हाई होगा उसी साइड प्राइस क्या होगी, मूव हो गई ओके। तो जब भी वहां पर मूव होगा, अगर ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर लोअर हाई या लोअर लो बन चुका है, तब वो स्ट्रीम स्विंग्स हाई तक नहीं जाएगा, इसी रेजिस्टेंस लेवल 20 से यहाँ पर रेंज होगा एंड धीरे धीरे ऊपर नीचे होने के बाद क्या, गो डाउन, स्टॉप लॉस हिट आपका। तो आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर आपका वीक डिमांड जोन होगा या वीक सप्लाई जोन होगा तो आपको नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल टारगेट रखना होगा, एंड अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा तब आपको क्या होगा, स्ट्रीम स्विंग्स हाई रखना है ओके। फिबोनाची लेवल हियर प्लॉट, हियर टारगेट, हियर एंट्री लेवल्स ओके, डायरेक्टली हियर एंट्री हियर, जब स्ट्रॉन्ग जोन होगा, स्ट्रॉन्ग ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया, जैसे पावरफुल कैंडल्स है ना, पावर बायर एक्टिव कैंडल्स, ये सारे के सारे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको फॉलो कीजिएगा। लास्ट पॉइंट जो आता है नंबर फोन पे, फॉलो रिस्क रिवार्ड ओके, जब भी कोई ट्रेड ओपन कीजिए 1.50 का ट्रेड ओपन कीजिए ऑलवेज, मिनिमम, ये मैं मिनिमम रेशियो बता रहा हूँ, मिनिमम रेशियो ओके, मिनिमम रेशियो बता रहा हूँ, इस रेशियो पे जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, ट्रेडिंग की एक्यूरेसी होनी चाहिए वो लगभग 60 प्लस होना चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। आप एक दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, 5 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, पर महीने में जब आप एक्यूरेसी निकालेंगे और आप कैपिटल वगैरह सबको बुरसे करने, तो आपको प्रॉफिट उस वक्त नहीं हो पाएगा ओके। तो आप हमेशा याद रखें तो आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, 60 यानी 60% प्लस होना चाहिए, अगर 1.50 का आप रिस्क रिवार्ड से ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ 1.1:1 का अगर आप ट्रेड ओपन करते हैं तब आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, तब आपकी एक्यूरेसी अगर सॉरी मिनिमम जो आपका होना चाहिए
कम से कम 90% से 80% होना चाहिए। ओके, 80 से अब भी होना चाहिए। जब आप 1:1 का एक्यूरेसी आप ट्रेड निकालना है, 80 से अब भी रखना है ना। वो आप खुद पता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं क्या एक्यूरेसी है। एंड फ्रेंड्स, ओके, जब जितना आप, अगर फॉर एग्जांपल 1:2 का अगर आप रिस्क रिवार्ड का फॉलो करते हैं, आपकी यही परसेंटेज एक्यूरेसी क्या होगा, आपको सिंपल 50% कर देना है। ओके, 50% करेंगे तब भी आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल 1:2 का आपने 20 ट्रेड ओपन किया। ओके, एक ट्रेड का प्राइस जो है 1,000 रुपये है, 20 ट्रेड आपने ओपन किया, 20,000 रुपये हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि 10 ट्रेड आपने लॉस कर दिया, 10 ट्रेड आपने लॉस कर दिया, महीने में 20 ट्रेड आपने किया, 10 ट्रेड आपने लॉस कर दिया, फिर भी आपका 10 ट्रेड गेन हुआ, यानी 10,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। ओके, पर आपकी एक्यूरेसी क्या है, 50% है आपका जो ट्रेड आप ओपन कर रहे हैं 1:2 का, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये का, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, करेक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप जो ट्रेड ओपन करते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं 1:1 का, और आपकी एक्यूरेसी चल रही है 50%। अब आप सोचिए ना कि 1:1 का, यानी एक ट्रेड आपने ओपन किया, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 20 ट्रेड आपने ओपन किया, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब 20 ट्रेड में से 10 ट्रेड आपने लॉस कर दिया, 10 ट्रेड प्रॉफिट, तो जितना आपका जीरो हो गया है ना, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आप पहुँच गए। ब्रोकरेज आपका कैपिटल से जाएगा और माइनस में आपका होगा प्रॉफिट। करेक्ट, तो रिस्क रिवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। ओके, तो एनालाइज जरूर कीजिए अपने आप को, क्या एक्यूरेसी होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, एंड उसके बाद आपका एंट्री एग्जिट। एंट्री एग्जिट का सिंपल सा फंडा है कि आप डायरेक्टली एंट्री लीजिए, यहाँ पर कंफर्मेशन रिवर्सल साइन कैंडल स्टिक का आपको देखना है, उसके बाद आप एंट्री लीजिए। एंड स्टॉप लॉस जो आपका होगा बिलो, यहाँ पर जो लो होगा वहां पर लो, सबसे लो पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, एंड यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक हैं, एंड ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि सब में बना हुआ है, पता नहीं किस में बना है, ये मुझे नहीं मालूम है फ्रेंड। ऐसा रेंडमली यहाँ पर ये जितने स्टॉक है आप देखेंगे, इतने ही स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, ये 15-20 स्टॉक है, इसी में डे बाई डे जितना ट्रेड में ओपन करता हूँ इसी 20 स्टॉक के अंदर। ये कोई पर्टिकुलर फेवरेट स्टॉक मेरा नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड देखिए, देखिए मैं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी नहीं करता, ऑप्शन में। स्टॉक में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ओके, क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो वॉल्यूम होता है वो कम वॉल्यूम होता है। ओके, बैंक निफ्टी से कंपेयर के इसमें वॉल्यूम कम होता है, परफेक्ट आपको समझ में आता है कि प्राइस किस तरह से ड्राइव होती है। ओके, बैंक निफ्टी में मूव वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्राइस बहुत तेज मूव होती है और सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट होता है उस पर, है ना, सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट होता है, तो फिर वहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड पे क्या होता है, वहाँ पर रिस्क हो जाता है कभी कभी। ओके, बट स्टॉक में रिस्क नहीं होता है। इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के लिए अदर स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑप्शन के लिए जब भी आप यूज़ करें, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए सिंपल आपको यूज करना है रिट्रेसमेंट बेस ट्रेडिंग एंड बेस ब्रेकआउट बेस एंट्री, ये दो पैटर्न्स का यूज कीजिए, ये पावरफुल पैटर्न्स हैं, बेस ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट बेस एंट्री, ये पावरफुल है बैंक निफ्टी के लिए। एंड अपन यहाँ पर बात करते हैं एक्युमुलेशन एरिया, जैसे प्राइस क्या है, मैं शुरू से बताता हूँ यहाँ से ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। एंड यहाँ पर देखें कंटिन्यू क्या है, लोअर हाई एंड लोअर लो। ओके, ये रहा लोअर हाई, ये रहा लोअर लो, ये मैं मेजर हाई ड्रॉ कर रहा हूँ, मेजर हाई मेजर लो। ओके, एंड हियर देखेंगे मेजर लोअर हाई ब्रेकआउट, करेक्ट, मेजर लोअर हाई ब्रेकआउट एंड हियर स्टार्टिंग हायर हाई, हियर स्टार्टिंग हायर हाई। ओके, हियर स्टार्टिंग हायर, तो हियर न्यू हायर हाई, हियर हायर हाई, यानी आप बोल सकते हैं एच हियर न्यू हायर हाई, यानी ट्रेंड चेंज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, फिबोनाची लेवल प्लॉट हियर एंड हियर,
और फाइंड लेबल हियर मिडिल ऑफ द ट्रेंड 50% या 61.8%। ओके, सिंपल सा रूल है, बट आपको रूल कब आपको अप्लाई करना है, ट्रेंड चेंज हो जाने के बाद, जब ट्रेंड चेंज होता है तभी। रेंजिंग होगा तो आपको इग्नोर करना है, ट्रेंड चेंज होना चाहिए ऑलवेज, हमेशा ट्रेंड चेंज हो तभी जाके आपको अप्लाई करना है। अब सिंपल आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और लाके हाई पे से छोड़ देना। ओके, हियर 100%, हियर 0%। एंड सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग फेक ब्रेकआउट 61.8% लेवल। ओके, बुलिश इनगल्फिंग हियर, बुलिश इनगल्फिंग 61.8% फेक ब्रेकआउट, करेक्ट, फेक ब्रेकआउट हियर क्लियरली, हियर रैली, हियर बेस, हियर रैली। ओके, हियर रैली, बेस रैली, तो सिंपल हियर डिमांड होने रिया और स्ट्रॉन्ग प्राइस हियर डिमांड, करेक्ट। अब जो लोग सप्लाई एंड डिमांड पर वर्क करते हैं उनको पता होगा कि प्राइस जब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग डिमांड होता है तब जाके अपन एंट्री लेते हैं। एंड हेल्पिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो जाने के बाद हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि प्राइस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, ये करेक्शन हुआ, ये अगेन करेक्शन हुआ, तो अगेन अप ट्रेंड गया एंड अगेन अप ट्रेंड गया। ओके, तो यही जो है यही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ओके, यहाँ पर वही रूल फॉलो हो रहा है, हायर एंड हायर लो एंड सिंपल फाइंड लेबल। ओके, जहां से प्राइस स्टॉप होगा यानी स्ट्रॉन्ग लेबल चाहिए बायर्स एरिया, प्लस ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, यानी फिबोनाची लेवल का ये डायनेमिक सपोर्ट लेवल वर्क करता है 61.8% 50% लेवल। तो ये क्लियरली हियर डिमांड नहीं है, प्राइस गोइंग अप है, करेक्ट। एंड मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, तो हियर स्टीम स्विंग हाई एंड स्टीम स्विंग, तो ये टचेस एंड अगेन नेक्स्ट डे टचेस एंड गोइंग अप ट्रेंड, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, करेक्ट है। एंड सिंपल मेजर हाई ब्रेकआउट एंड अगेन अप्लाई फिबोनाची लेवल, फिबोनाची वाले को मैं डिलीट करता हूँ। एंड मेजर हाई क्या है, ये रहा अपना हाई ब्रेकआउट एंड अगेन ही स्विंग्स हाई मेजर हाई, तो यहाँ पर प्राइस मेजर हाई में यहाँ पर प्राइस डाउन नहीं आया, तो अगेन क्या हुआ, हियर मेजर हाई ड्रॉ एंड हियर ब्रेकआउट मेजर, ओके, हियर लो एंड अगेन हियर ब्रेकआउट, यानी न्यू हायर हाई ट्रेंड चेंज। ओके, न्यू हायर हाई, हियर हियर लो, हियर हाई, फिबोनाची लेवल प्लॉट हियर से हियर एंड फाइंड लेबल मिडिल ऑफ द ट्रेंड, करेक्ट, एंड हियर, सिंपल। ओके, फॉलो रूल मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं इस ट्रेंड में, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं, आप देखेंगे ये जो ग्रीन टेक है ये मेजर हाई लेवल है और ये क्रॉस है वो माइनर लेवल है, तो क्रॉस वाले को आपको इग्नोर करना है और ग्रीन टिक वाले मेजर हाई को ब्रेकआउट पे लेना है, करेक्ट है, क्लियर हो गया होगा अभी आपको। एंड सिंपल हियर आप देखेंगे रिवर्सल साइन, अरे रिवर्सल साइन स्विंग टॉपर और हियर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल, करेक्ट, हियर रैली, हियर बेस, हियर स्ट्रॉन्ग रैली, हियर इट इज प्लस 61.8% लेवल, 50% लेवल एंड हियर गोइंग अप ट्रेंड, हियर टारगेट, करेक्ट। तो फॉलो रूल्स फ्रेंड्स, एंड आपको हमेशा इस चीज़ को या हमेशा याद रखना है कि मेजर हाई ब्रेकआउट होना चाहिए प्लस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल होना चाहिए 61.8% 50% लेवल पे एंड रिवर्सल साइन कैंडल स्टिक, यहाँ पर क्या है स्विंग टॉप कैंडल्स है एंड हमने जो देखा था इनगुल्फिंग ट्रेंड यानी रिवर्सल साइन, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने का यही एक मेथड है, कैंडल स्टिक पावर्स को आपको समझना है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आपको अप्लाई करने हैं एंड अगेन अप्लाई हियर स्टीम स्विंग्स हाई मेजर हाई ब्रेकआउट एंड हियर न्यू हाई। ओके, एंड स्मॉल हियर स्मॉल वेव, स्मॉल वेव मतलब यहाँ से लो बनाया प्राइस ने, ओके, हियर माइनर हाई, हियर डाउन, हियर हायर हाई, ओके, एंड हियर प्लॉट फिबोनाची लेवल एंड हियर, एंड यहाँ पर अब फिबोनाची प्लॉट नहीं होगा, करेक्ट है। एंड धीरे धीरे समझते रहिए, अभी मैं आपको और दो तीन स्टॉक में दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। एंड हियर 50% लेवल, ओके, प्लस 61.8% लेवल एंड रैली बेस स्ट्रॉन्ग रैली एंड हियर डिमांड जोन लेवल, हियर डिमांड जोन लेवल, ये देखिए स्ट्रॉन्ग रैली, ओके,
एंड हियर देखें कि यहाँ से कंटिन्यूस हियर रैली एंड हियर बेस रेंज एरिया एंड हियर रैली। तो हियर क्या रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड पिन बार्स हियर इनसाइड, ओके इनसाइड बार हियर एंट्री हियर स्टॉप लॉस एंड गोइंग अप ट्रेंड, करेक्ट है। एंड अगेन नेक्स्ट डे तो सिंपल हियर अगेन मेजर हाई ब्रेकआउट, तो हियर मेजर हाई कंटिन्यूअस मेजर हाई ब्रेकआउट है, तो सिंपल हियर लो है, ओके हियर लो हियर मेजर हाई ब्रेकआउट एंड हियर सिंपल मेजर हाई ब्रेकआउट, ओके एंड मेजर हाई हियर, करेक्ट। तो हियर मेजर हाई एंड अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर सही समझिएगा, इस यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये रहा हाई पॉइंट, तो यहाँ से करेक्शन हुआ, तो यहाँ से हमने फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया इस एरिया से, ओके यहाँ पर करेक्शन हो रहा है एंड यहाँ से क्या हुआ प्राइस यहाँ पर स्ट्रीम हाई बनाया, ये बोलते हैं स्ट्रीम स्विंग्स हाई, ये होगा स्ट्रीम स्विंग्स लो, ना कि फिबोनाची लेवल आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ओके तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, फिर से सवाल लीजिए, यहाँ पर क्या होगा प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस मेजर हाई को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर न्यू हाई बनाया, ओके यहाँ से प्राइस करेक्शन हुआ, यहाँ पर बना मेजर हायर लो इसे बोलेंगे, यदि यहाँ से प्राइस कंटिन्यूस अप ट्रेंड एंड डायरेक्टली प्राइस हियर ड्रॉप एंड हियर लो, तो ये क्या हुआ स्ट्रीम स्विंग्स लो एंड स्ट्रीम स्विंग्स हाई, तो फिबोनाची लेवल प्लॉट हियर 100% एंड हियर 0%, ओके मैं प्लॉट करके बताता हूँ आपको, हियर क्लिक एंड हियर हाई एंड हियर, ओके एंड हियर 61.8% लेवल बट ब्रेकआउट 61.8% लेवल हियर ब्रेकआउट हियर इनसाइड पैटर्न, ओके इनसाइड प्लस ये फॉल्स ब्रेकआउट, ओके अब यहाँ पर आपको ये समझना है डिमांड जोन लेवल क्या है आपका यहाँ पर, ओके डिमांड जोन लेवल हियर, तो हियर क्या है वीक डिमांड जोन लेवल, ओके हियर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूस 90 डिग्री लाइन हियर 90 डिग्री, बट यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री हियर हियर लाइक 75 डिग्री, ओके तो हियर वीक डिमांड जोन लेवल एंड प्लस हायर आई हायर लो बायर सेलर बट हियर कंटिन्यूस बायर, करेक्ट तो वीक डिमांड जोन लेवल्स एंड प्राइस क्या हुआ फॉल्स ब्रेकआउट इनसाइड बार, अब यहां पर क्या कि फॉल्स ब्रेकआउट इनसाइड बार, तो हियर ड्रॉ डिमांड जोन लेवल एंड हियर एंट्री, ओके एंड हियर एंट्री हियर स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस सेट एंड कंटिन्यूस अप ट्रेंड हियर माइनर रेजिस्टेंस लेवल टारगेट हियर, करेक्ट। तो अभी आपको मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है, मिस्टेक आपको समझने में यहाँ पर होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होगा तो क्लियरली आपको प्रॉफिट मिलेगा नियर रेजिस्टेंस लेवल, ओके तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लेवल होगा तभी जाके आप वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज वर्क नहीं कर पाएंगे, इससे पहले भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होता है एंड वीक लेवल कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपको टाइप फोर पे आपको फोकस करना है, ये क्या है वीक लेवल हियर लार्ज शैडो, हियर आप समझिएगा, अब यहाँ पर कैंडल्स को मैं आपको बताता हूँ कैसे आप चार्ट को रीड कर सकते हो, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। प्राइस क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ यहाँ से कंटिन्यूस प्राइस नहीं यहाँ पर गया हाई बनाया, ये पूरा एरिया क्या हो गया बायर्स बना, ओके प्राइस क्या हुआ यहाँ से हाई बना एक बार सेलर्स इंटर हुआ यहाँ पर क्लोज हुआ, तो इस बायर का हाफ टाइम क्या है सेलर्स हो गया, तो बायर एंड सेलर्स इस एरिया में इक्वल हो गया, ना ही बायर स्ट्रॉन्ग हुआ ना ही सेलर्स स्ट्रॉन्ग हुआ, करेक्ट तो ये क्या इक्वल पार्ट हुआ, तो इस एरिया में जब भी प्राइस आएगी तो जब भी यहाँ पर सेलर आएगा तो यहाँ पर स्टॉप होगा, स्टॉप होगा यहाँ पर बायर इंटर होने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स बनना स्टार्ट होगी, ओके स्मॉल कैंडल बनना स्टार्ट होगी
बट ये वाला जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हुआ यानी स्ट्रॉन्ग कंडस हुआ तो सेल बायर क्या होगा, बायर यहाँ पर स्मॉल कंडस बनेगा, ओके, क्योंकि प्राइस क्या अप ट्रेंड है तो जाएगा अप ट्रेंड प्राइस। बट अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स ड्रॉप हो रहा है तो प्राइस क्या होगी, हेल्प करेगा सेलर्स को, सॉरी बायर को क्या करेगा, बायर स्टॉप होने के, सेलर्स ये क्या करेगा, हेल्प करेगा बायर को स्टॉप करने के लिए, एंड क्या होगा, एक्टिव होगा सेलर। तो इसी एरिया में क्या होता है, रेंज हो जाती है प्राइस, करेक्ट, इसी एरिया में क्या होता है, रेंज होता है। ये मैं आपको रियल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये कल हमने ट्रेड किया था इस पे, एंड मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको हर एक चीज अवेलेबल है हर एक ट्रेड का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक कल के पार्ट में था, तो मैं आपको बताता हूँ, तो मुझे एंड हियर इस कैंडल के अंदर सभी कैंडल बन रही है, तो ना तो बायर डिसीजन ले पा रहा है ना सेलर्स, तो डेंजर एरिया कंसोलिडेशन एरिया। अब यहीं पर वो पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि दूसरा थोड़ा सा सिनेरियो है बट सिनेरियो सेम वही है, ओके। ये क्या है, डिमांड जोन एरिया था, अब यहाँ पर क्या है कि प्राइस को क्या है, रिवर्स होने चाहिए, ओके। प्राइस क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग, तो प्राइस हियर क्या है, रिजेक्ट हुआ एंड हियर कंसोलिडेशन एरिया पर रहा है, ओके। जो कि प्राइस क्या होनी चाहिए, अप ट्रेंड जानी चाहिए, कंटिन्यूअस ये अप ट्रेंड है तो प्राइस क्या होनी चाहिए, अप ट्रेंड जानी चाहिए। यहीं पर क्या होता है, यहीं पर सेलर्स हेल्प करता है, प्रीवियस सेलर्स, यहाँ पर क्या है, प्रीवियस सेलर्स जोन एरिया है ये, हालांकि इसमें नहीं ड्रॉ किया हूँ मैंने, प्रीवियस सेलर्स जोन है जो कि हेल्प करेगा प्राइस को स्टॉप किया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप कितने कैंडल को उसने स्टॉप किया सेलर्स ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स यहाँ पर स्टॉप किया प्रीवियस सेलर्स, ओके, जो कि डाउन ट्रेंड में है, तो सेलर ने स्टॉप किया एंड यहाँ पर क्या होगा, डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ, सेलर एक्टिव एंड कंटिन्यूअस मार्केट डाउनफॉल, ना कि अप ट्रेंड, ओके। अब ऐसा नहीं है कि लोग अब यहाँ पर क्या गलती करते हैं, ये सोचेंगे सर कि यहाँ पर रेंज हो रहा है एंड मार्केट अप ट्रेंड है, ब्रेकआउट होगा ट्रेंड चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। और दूसरा यहाँ पर आप क्या सीधे आ सकता है, हियर स्मॉल पीनट बन रहा है, हियर अप ट्रेंड है, ब्रेकआउट होगा गोइंग अप ट्रेंड एंड मार्केट अप ट्रेंड चलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा यहाँ पर, ओके। सेम सीनेरियो को, वही सीनेरियो मैं आपको समझाने को, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ले यहाँ पर कैंडल्स को देखेंगे, हियर सेलर्स एक्टिव, ओके, रेंज को ब्रेक किया सेलर्स एक्टिव, बट बायर क्या हुआ, अगेन बाउंस हुआ, ओके, अगेन बाउंस हुआ, क्यों बाउंस हुआ, प्राइस क्या होगी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो ये क्या हुआ, करेक्शन होने के लिए, क्योंकि ट्रेंड क्या ऑलरेडी, बायर्स क्या हुआ सॉरी सेलर्स क्या हुआ, एक्टिव हो गया, क्योंकि प्राइस क्या है यहाँ पर, रिवर्सल साइन, ओके, प्रीवियस, तो यहाँ पर क्या, सेलर्स एक्टिव है, सिंपल ही है करेक्शन, ओके, सिंपल करेक्शन एंड गोइंग डाउन, अगेन करेक्शन, अगेन गोइंग डाउन, डायरेक्टली प्राइस ये ड्रॉप, अब यहाँ से आई थिंक प्राइस वापस रिवर्स हुआ, ओके, क्योंकि हियर लेवल डिमांड जोन लेवल स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। तो अभी आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया कि यहाँ पर मैं क्या, आपको क्या समझाना चाहता था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड इसी पार्ट को आपको समझना है वीक है, बाकी अगर ऐसा पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव एरिया, तो आपको इजीली आपको डायरेक्टली ड्रॉ करना है, रीएंट्री लेना है कंफर्मेशन के साथ, ओके। एंड दूसरे स्टॉक में चलते हैं, एंड आई थिंक वीडियो भी लंबी हो रहा है, तो मैं कुछ थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, एंड फॉर एग्जाम्पल हियर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, ओके, हियर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया एंड मेजर हियर, हियर लो हायर लो, ओके, तो ब्रेकआउट मेजर हायर लो हियर दिस, ओके, हियर ब्रेकआउट क्लियरली, हियर ब्रेकआउट एंड स्टीम स्विंग्स हाई हियर एंड स्टीम स्विंग्स लो हियर, स्टीम स्विंग्स लो हियर, हियर एंड स्टीम स्विंग्स हाई हियर, करेक्ट, एंड हियर क्या, हियर डिमांड सॉरी सप्लाई, करेक्ट, हियर सप्लाई जो नहीं है, प्राइस हियर हियर रिटेस्ट एंड गोइंग डाउन, करेक्ट है,
तो सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला को या स्कूल है, बट यहाँ पर क्या है वीक सप्लाई जो नहीं है, तो यहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले सकते है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये क्या है यहाँ पर टू कैंडल्स एंड अगेन बायस सेट है या वन कैंडल्स अगेन बायस सेट है करेक्ट। ये क्या है वीक सप्लाई जो नहीं है तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं निकाल सकते, यहाँ पर रिस्क ट्रेड। ओके एंड आगे हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड हियर एक्यूमुलेशन एरिया से पार्ट से देखते हैं, हियर एक्यूमुलेशन एरिया कंप्लीटली एंड हियर मेजर मेजर हाई ब्रेकआउट ओके एंड हियर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेबल्स आप देखेंगे, ये क्या है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेबल्स एंड हियर स्ट्रॉन्ग डिमांड लेबल, हियर स्टीम स्विंग्स लो एंड स्टीम स्विंग्स हाई एंड हियर मिडिल ऑफ दैट हियर डिमांड जोन लेबल, तो ड्रॉ हियर ओके फर्स्ट ड्रॉ हियर फिबोनाची प्लॉट हियर एंड हियर ओके, तो आपको सिंपल आपको प्लॉट करना है फिबोनाची लेवल एंड हियर, क्योंकि हमको इस डिमांड जोन कवर करना है तो हम यहाँ पर ड्रॉ करें, अगर हमको इसको कवर करना होता तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको इसको कवर करना है तो फिर हम यहाँ लो से हाई ड्रॉ करें, क्योंकि इसके लिए यहाँ ये स्ट्रीम हाई हुआ ये स्ट्रीम लो हुआ इस बीच वाले डिमांड जोन के, तो ये सिंपल हियर ड्रॉ करेक्ट, हियर लो हियर हाई एंड हियर क्लियरली डिमांड जोन एंड हियर हियर पिन बार बाय सिग्नल्स एंड कंटिन्यू मार्केट अप पे एंड अगेन हियर टारगेट हिट नेक्स्ट डे डायरेक्टली ओपन मार्केट वहीं से ओके। तो मुझे भी नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, तो एक दो मैं और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं ओके। जैसे कि मेजर हाई ब्रेकआउट हियर मेजर हाई ब्रेकआउट एंड हियर गैप अप ओपनिंग एंड अगेन हियर ब्रेकआउट ओके एंड अगेन हियर ब्रेकआउट तो हियर हियर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल एंड हियर हाई मिडिल ऑफ द नो डिमांड जोन लेवल, क्योंकि हमको स्ट्रिंग स्विंग्स हाई जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये होगा हमारा लो ओके बीच में कोई हमारा लेवल ही नहीं है, तो अपन तो ऐसे ही नहीं ड्रॉ करेंगे इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर हम नहीं ड्रॉ कर सकते ओके एंड जैसे हियर हियर स्ट्रिंग स्विंग्स हाई लो एंड हियर हाई एंड हियर डिमांड जोन लेवल एंड हियर डिमांड जोन लेवल ओके, तो हियर ड्रॉप हियर बेस एंड हियर रैली कंप्लीटली करेक्ट, बट हियर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्टार्टिंग तो हियर स्किप करना है ओके स्किप कहाँ पर करना है जैसे फॉर एग्जांपल हमको जब हमको इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हमको इसके लिए फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना है, तो स्टीम स्विंग्स लो एंड स्टीम स्विंग्स हाई जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर एंड हियर ओके एंड आप देखेंगे हियर बोथ साइड सेम हियर बायर एक्टिव हियर सेलर एक्टिव सिंपल फिलोसफी एंड हियर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ओके, जो कि प्राइस हियर रिट्रेसमेंट किया बायर हियर इंटर हुआ एंड प्राइस किया हुआ गो डाउन, बायर इंटर होने के बाद अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जिनको नहीं पता है कि सेलर्स एंड बायर एरिया बायस एरिया यहाँ पर गलती होगी, क्या गलती होगी वो आप समझिएगा, आपको यहीं पर आप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे बट हियर बायस एक्टिव एंड हियर ब्रेकआउट सेलर्स एक्टिव एंड हियर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ओके एंड यहाँ पर क्या है आपका क्लियर डिमांड जोन लेवल यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल बट सेलर्स एक्टिव हियर डिमांड जोन लेवल फेल्ड है, आप एंट्री कहाँ पर करेंगे हियर इन साइड बार कैंडल आपकी एंट्री हो गई एंड हियर बायर्स इंटर यानी बायर इंटरेस्टेड है डिमांड जोन लेवल बट क्या है सेलर्स एक्टिव एंड अगेन गो डाउन प्राइस हियर स्टॉप लॉस हिट ओके, तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर ट्रेड ही नहीं ले सकते अगर आपको इसके और इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा फ्रेंड्स एंड हियर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया फॉर एग्जाम्पल ओके, तो यहाँ पर आपको हर चीज देखना है कोई पर्टिकुलर वन साइड आपको नहीं देखना है बोथ साइड देखना है, मैं आपको और किसी स्टॉक में दिखा देता हूँ ओके थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन बाद है लंबी बन जाएगी कोई बात नहीं बट वे एक वीक टू वीक का एक ही बार में कवर हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं से भी आप उठा लीजिए हियर एक्यूमुलेशन एरिया ब्रेकआउट एंड आप देखेंगे हियर डिमांड जोन लेवल एंड हियर डिमांड जोन लेवल हियर डिमांड जोन लेवल
एंड फाइंड्स लेबल, ओके एंड हियर ब्रेकआउट्स, हियर लेबल ब्रेकआउट्स। इस डिमांड जोन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एंड इसको फाइंड करने के लिए हम स्ट्रीम स्विंग्स लो एंड स्ट्रीम स्विंग्स हाई ड्रॉ करेंगे, सिंपल फिलोसफी। ओके जैसे फॉर एग्जांपल एंड हियर प्राइस डिटेल्स एंड हियर टारगेट, तो ड्रॉ कैसे करेंगे अपन हियर एंड हियर। बट यहाँ पर क्या है कि फिबोनाची लेवल 50% 61% रीच नहीं है, ओके क्योंकि हियर डिमांड जोन लेवल है, तो 50% 61% फिबोनाची लेवल इनवैलिड, यानी फिबोनाची लेवल यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। ओके यानी ये फिबोनाची लेवल क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर क्या इनवैलिड है। तो वैलिड करने के लिए सिंपल, जैसे यहाँ पर आ पाया प्राइस, अब हमारा जो डिमांड जोन लेवल है इसके लिए हम यहाँ पर ढूंढेंगे, तो वो कैसे ढूंढेंगे अब उसके बारे में समझिए। तो हियर डिमांड जोन लेवल तो हियर नेक्स्ट डे ओपनिंग कैंडल डायरेक्टली डिमांड जोन लेवल से या टचेस, ओके या फिर तो स्ट्रीम स्विंग्स क्या होगा, सिंपल हियर लो, ओके एंड हियर देखें क्लियरली हियर वैलिड, ओके 50% 61.8% फिबोनाची लेवल वैलिड, यानी क्या क्राइटेरिया जो हमारे ये वो फुलफिल कर रहा है, प्लस ये डिमांड जोन, अरे देखेंगे यहाँ पर रैली एंड बेस रैली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल, ओके प्रीवियस हमने देखा था वीक लेवल, बट यहाँ पर हमने देखा है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल्स, ओके एंड सीयर हियर पिन बार ओपनिंग कैंडल्स पिन बार हियर एंट्री हियर स्टॉप लॉस एंड हियर टारगेट आपका। ओके दोस्तों आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी। तो अभी मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट थे जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर से आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है ब्रेकआउट, एक्यूमुलेशन एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। दूसरा नंबर टू पर आपको ध्यान देना है कि मेजर ट्रे मेजर अप ट्रेन या मेजर डाउन ट्रेन भी ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी हायर लोअर हाई ब्रेकआउट होना चाहिए अप ट्रेन के लिए, डाउन ट्रेन के लिए हायर लो ब्रेकआउट होना चाहिए, ओके। और नंबर थ्री पे है आपका कि फाइंड होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग्स लेवल, वीक लेवल पे आप वर्क नहीं करेंगे, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दो एग्जांपल बताए हैं वीक लेवल पे कैसे आपको इग्नोर करना है पार्ट को। अरे स्ट्रॉन्ग आप देख आपने अभी समझ गए होंगे कि जब भी यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग लेवल आपको बताया हूँ तब प्राइस आपको सक्सेस हुआ है, ओके यानी आपको प्रॉफिट मिला, यानी जब मैं आपको वीक लेवल आपको बताया हूँ सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है एंड सिर्फ आपका डिमांड जोन लेवल वीक रहा, तो वहाँ पर आप देखें वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट वगैरह मिला होगा, ओके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस बात को खुद समझ पाएंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड तीसरा जो पॉइंट्स इसमें ऐड हुआ था कि कभी कभी क्या हुआ कि हमारा फिबोनाची लेवल वैलिड नहीं है 50% 61.8%, जो कि अभी मैं आपको बताया हूँ अभी थोड़ी, ओके वहाँ पर वैलिड नहीं था पर डिमांड जोन को प्राइस ने टच किया था, तो ऐसी जगह हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक हमारा फिबोनाची लेवल वैलिड नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं निकालेंगे, ओके। एंड थर्ड कंडीशन आपको हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि रिस्क रिवार्ड को, ओके फॉलो रिस्क रिवार्ड। अगर आपका 1:2 का या 1:5 का ट्रेड निकलता है तभी जाके आप ट्रेड को निकाल के लिए ऑर्डर को प्लेस कीजिए, अदरवाइज ऑर्डर मत डालिए ऐसे ट्रेड। बेशक सब कुछ आपका फुलफिल होना है बट अगर 1:1 का मिल रहा है तो आप ट्रेड मत ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं, ओके या तो आपको अच्छी एक्यूरेसी हो तब जाके आप ओपन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल मत ओपन कीजिए। एंड ये सपो फिबोनाची लेवल इसलिए मैं यूज़ किया हूँ यहाँ पर, फिबोनाची लेवल नंबर्स मीन्स क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। किसी भी कैंडल्स का हाई एंड जहाँ से ओपन हुआ जहाँ से क्लोज हुआ एंड स्ट्रॉन्ग एंड 50% लेवल क्या होता है कि SNR लेवल वो कन्वर्ट होता है, तो सेम फिबोनाची लेवल का कॉन्सेप्ट वही है, स्ट्रीम स्विंग्स लो एंड स्ट्रीम स्विंग्स हाई एंड 50% प्राइस, ओके 50% प्राइस फाइंड लेबल्स डिमांड जोन लेबल्स, ओके जो कि अभी मैं आपको बताया हूँ कि फाइंड डिमांड जोन लेबल
एंड 50% क्या डायनेमिक सपोर्ट लेवल, जबकि ये 50% कैंडल्स का होता है एंड 50% करेक्शन का, यानी जो पूरा ये ट्रेंड होता है ये करेक्शन, ओके, यानी इंपल्स वेव जो पूरा का पूरा होता है इसी का 50%, यही हमारा वर्क करता है एंड फिबोनाची लेवल आइडेंटिफाई करने में, यानी इंपल्स वेव का 50% फाइंड करने में फिबोनाची लेवल हमको हेल्प करता है। और जहाँ पर हम लेवल को फाइंड करते हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन लेवल 61.8%, जो कि हेल्प करते हैं। ये सारे डायनेमिक सपोर्ट लेवल होता है, ये इंडिकेटर का यूज करने का इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि कैसे ये वर्क करता है। एंड मैं आपको आईक्यू ऑप्शन का कुछ अपडेट बता दूँ। यहाँ पर आपने आईक्यू ऑप्शन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी मैं अगस्त में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ आईक्यू ऑप्शन पे, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा सिग्नल प्रोवाइडर मुझे कुछ सिग्नल प्रोवाइडर के लिए मुझे ऑफर मिला है, तो उसी के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड सिग्नल प्रोवाइडर आपको बनने के लिए कम से कम आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 80% से अबव होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि एक्यूरेसी 80 से 90%। अगर 80% से अबव आपकी एक्यूरेसी है तो आप एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइडर बन सकते हैं और आपकी अच्छे की साइड में आपकी एक अच्छी इनकम हो सकती है आपको आईक्यू ऑप्शन से, ओके, या आप दूसरों का अकाउंट मैनेज भी कर सकते हैं, वो भी आपको ऑप्शन है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप भी कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको सब कुछ डिटेल में सीखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि ये जो मैं ट्रेड निकाल कर आपको दिखा देता हूँ, इतना आसान नहीं है जितना ये आपको दिखता है फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी वक्त लगा तब जाके ये स्ट्रेटजी को मैं अपग्रेड कर पाया, लगभग 6 महीने से 6 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी तब जाके ये अगस्त में फाइनली ये उस चीज़ को मैं आइडेंटिफाई कर पाया और फाइनली वो रिजल्ट मिला है। एंड बैक टू बैक रिजल्ट में यहाँ पर पोस्ट किया हो, 12 ट्रेड में से 10 विन, 10 में से 8 विन, 9 विन, 10 विन, 10 में से 10 विन, यहाँ पर आपको यही एक्यूरेसी मिलेगा। आप देखेंगे 10 में से 9 विन सेम एक्यूरेसी एवरी सिंगल डे, 10 में से 10 विन, ओके, सेम एक्यूरेसी यहाँ पर 10 में से 11 में से 10 विन, ओके, 1 ट्रेड 2 ट्रेड बस, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ होता 3 ट्रेड लॉस, इससे ज़्यादा ट्रेड लॉस हो ही नहीं सकता, ओके। तो कॉन्फिडेंट ट्रेड जब आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके, जब आपका सेटअप अच्छे से रेडी हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वही मैंने किया, आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। एंड आज कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हियर जो लोग आईक्यू ऑप्शन पे वर्क करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए, हियर मार्केट एनालिसिस को आप फॉरेक्स कैलेंडर को खोलेंगे तो हियर जो नंबर्स होते हैं यहाँ पर जो टाइमिंग होता है उस टाइम को ट्रेड नहीं करना है, 10 मिनट पहले आप एग्जिट हो जाइए, 10 मिनट पहले आप इंटर मत कीजिए, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी प्रैक्टिकली, मैं आपको यहाँ पर दिखाया था 17:45 हो रहा था एंड 17:45 पे ही है, 17:45 पे ये न्यूज आया था EDP एम्प्लॉयमेंट का यूएसए का, एंड ये 17:45 का कैंडल देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हियर गोइंग अप गोइंग डाउन, ओके, हियर न्यूज कैंडल्स एंड बैक टू बैक न्यूज था। अरे आईक्यू ऑप्शन पे मेंटेनेंस का काम भी चालू हो गया, 7 बजे के बाद मेंटेनेंस का काम चल रहा और अभी तक नहीं खत्म हुआ था, मैंने 10:30 तक चेक किया, 9:30 बजे भी खत्म नहीं हुआ था, वहाँ पर मेंटेनेंस दिखा रहा है, वहाँ पर उसका कुछ करेंसी का अपग्रेड हो रहा है, तो इसी के वजह से यहाँ पर न्यूज़ चल रही है, ओके। 7:15 पर देखेंगे, अरे 15 मिनट 30 मिनट एंड 30 मिनट यहाँ पर बैक टू बैक न्यूज़ चल रही है इसी वजह से। तो आज इसीलिए ट्रेड नहीं किया, बट नेक्स्ट डे कल मैं आपको ज़रूर पोस्ट करूँगा ट्रेड निकाल के। एंड सिर्फ आप देखेंगे 7:45 पे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड निकाला था, 7:44 पे, 1 मिनट पहले ही मैंने ट्रेड निकाला था, 1 मिनट पहले 7:44 पे एंड 7:45 पे ही यह न्यूज़ आया था, ओके, सिंपल 1 मिनट पहले, अगर मैं 1 मिनट पहले अगर ट्रेड को यहाँ पर प्लेस किया उसी भी डायरेक्शन मार्केट जा सकती है और आपका स्टॉप लॉस, कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता है जब न्यूज़ होता है आईक्यू ऑप्शन पे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई न्यूज़ है तो आपकी कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी है वो कभी नहीं वर्क करेगी, ओके, आप कितना भी प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में जाते हैं पर वो वर्क नहीं करता, ओके, किसी भी डायरेक्शन प्राइस में हो जाती है, करेक्ट है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं एंड टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें आपको एवरी डे आपको मिलती रहेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड फ्रेंड्स फाइनली, अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं,
दोनों का दोनों कोर्स मैंने अपग्रेड कर दिया है। प्राइस प्लस सप्लाई एंड डिमांड कोर्स का 2.0 वर्जन, न्यू वर्जन, एंड यहाँ पर भी एक्टिव ऑप्शन का कोर्स अपग्रेड किया और 2.0, यानी दोनों कोर्स को मैंने अपग्रेड कर दिया। आप दोनों से जिसकी आपकी ज़रूरत है आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत है तो आप प्लीज़ आप सिंपल प्रैक्टिस कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।